ये दवाई स्टेरॉइड से बिल्कुल अलग है, और स्टेरॉइड के साथ जो दूसरी दवाइयां देते थे, एजाथाइप्रिन है, माइकोफिनोलेट है, ये उनसे भी बिल्कुल अलग है। सभी दर्शकों को डॉक्टर शुक्ला का नमस्कार। पेम्फिगस एक लंबी बीमारी है जिसका इलाज स्टेरॉइड्स के द्वारा होता है और वो लंबे समय तक देते रहना पड़ता है। स्टेरॉइड्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक नया इलाज क्या है। मैं आपको ये नया इलाज बताऊं, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये अभी जो इलाज चल रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम है और ये नया इलाज उससे किस तरह से अलग है। पेम्फिगस का अभी तक जो इलाज है वो मेनली स्टेरॉइड से होता है। ये बात सही है कि स्टेरॉइड से ये बीमारी पूरी कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन इसके साथ ही स्टेरॉइड से साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। इसलिए अब जो नई दवाई आई है जिसका नाम है रिटुक्सिमैब, ये दवाई स्टेरॉइड से बिल्कुल अलग है, और स्टेरॉइड के साथ जो दूसरी दवाइयां देते थे, एजाथाइप्रिन है, माइकोफिनोलेट है, ये उनसे भी बिल्कुल अलग है। ये जो नई दवाई है रिटुक्सिमैब, इसका इस्तेमाल वैसे तो दूसरी बीमारियों में कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन पेम्फिगस में इसका अप्रूवल पिछले कुछ सालों से ही मिला है। ये जो दवाई है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे स्टेरॉइड से छुटकारा मिल जाता है, या बहुत कम डोज स्टेरॉइड की देनी पड़ती है, और इससे पेम्फिगस एक लंबे समय तक कंट्रोल में बना रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिटुक्सिमैब पेम्फिगस में असर कैसे करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पेम्फिगस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून का मतलब यह है कि अपने जो स्किन के सेल्स होते हैं उसके खिलाफ अपनी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बनाने चालू कर देती है। ये जो रिटुक्सिमैब है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये ठीक उसी जगह काम करेगी जहां पे पेम्फिगस में गड़बड़ी हो रखी है इम्यून सिस्टम के अंदर। चूंकि रिटुक्सिमैब बड़ी स्पेसिफिक दवाई है इसलिए इसका असर पेम्फिगस पे बहुत अच्छा होता है, और इसलिए आजकल जो पेम्फिगस डायग्नोस होता है उसके बाद हम स्टेरॉइड के साथ साथ रिटुक्सिमैब भी चालू कर देते हैं। इसके देने के लिए एक अलग तरीका है, इसके लिए आपको हॉस्पिटल में 5-6 घंटे के लिए जाना पड़ेगा जहां पर आपको आईवी ड्रिप द्वारा ये दवाई दी जाएगी, और फिर 2 वीक के बाद एक बार फिर ये दवाई रिपीट की जाएगी, और उसके बाद फिर 1 साल बाद ये दवाई दी जाएगी। फिर अगर जरूरत पड़ी तो आपको हर 6 महीने में दवाई दी जा सकती है, अदरवाइज आपका पेम्फिगस से लंबे समय के लिए छुटकारा हो सकता है, और हो सकता है आपके स्टेरॉइड बिल्कुल छूट जाए या बहुत कम मात्रा में आपको स्टेरॉइड लेने पड़े। रिटुक्सिमैब देने से पहले हमें कुछ सावधानियां लेनी होती हैं। ये देखना पड़ता है कि आपको कहीं किसी तरह की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे टीबी है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, या कोई और दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई आपको दूसरी बीमारियां तो लंग्स की बीमारियां नहीं है या हार्ट की बीमारियां नहीं है। आपको डॉक्टर ये सारी अच्छी तरह से जांच करेगा और उसके बाद कुछ टेस्ट करेंगे, और जब हम देख लेंगे कि आपको कोई दूसरी बीमारी नहीं है तभी आपको रिटुक्सिमैब देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इसके साथ ही रिटुक्सिमैब को हम प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान नहीं दे सकते हैं। रिटुक्सिमैब अभी महंगी है, इंडिया में एक डोज की कीमत 30,000 रुपये है, लेकिन हमें उम्मीद है कि टाइम के साथ धीरे धीरे ये कम होती चली जाएगी। एक चीज और आपको याद दिला दूं कि रिटुक्सिमैब के साथ ही हमें स्टेरॉइड चालू रखने पड़ते हैं, लेकिन इनकी डोज धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और आखिर में ऐसा हो सकता है कि स्टेरॉइड बिल्कुल बंद हो जाए और अकेले रिटुक्सिमैब से आपका पेम्फिगस से छुटकारा हो जाए। पेम्फिगस के बारे में और जानकारी मैं एक अलग वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं। रिटुक्सिमैब के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।